हेलो गाइस, वंस अगेन फिर से आप सबका स्वागत है एक और छोटे से वीडियो में। तो आज है 20 मार्च 2023। होपफुली प्रीवियस वीडियोस जो देख रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा, और नए नए अपडेट्स के साथ मैं कंटिन्यू वीडियो सभी करता रहूँगा। लेटेस्ट गल्फ कंट्री टू रिलेटेड जो भी जॉब्स है, वैकेंसीज है, वीज़ा, ट्रैवल के पर्पज़, जो भी जो बहुत ईजी और बेनिफिट हो फ्रेशर्स के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिसे इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, जो काफी टाइम से रह रहे कि उसका बेनिफिट कैसे ले सके। तो आज का मेरा मेन कंटेंट और वीडियो है कि घर पर आप गल्फ कंट्री से, बहरेन हो, सऊदी हो, कुवैत हो, कोई भी जीसीसी में कोई भी गल्फ कंट्री से फ्री में पैसे कैसे भेज सकते हो। जी बिल्कुल सही सुना, ऑप्शन है, लेकिन पूरी तरह सुनने के बाद ही इसको ध्यान से अप्लाई करना है। कैसे आप कर सकते हो? कहते हैं ना कि एक शॉपिंग मॉल में आप जाते हो और 1,000 रुपये का कुछ सामान खरीदते हो, तो वहां पर एक मेगा सेल है कि आप 1,000 रुपये का सामान खरीदोगे तो आपको 100-200 रुपये का वाउचर मिलेगा, विद कंडीशन के साथ और लिमिटेड टाइम के साथ। वैसे ही इस चीज में भी एक है, कंडीशन है, टाइमिंग है, उसके हिसाब से ही इसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और इसका फायदा नहीं उठा पाए। पिछले 7 साल से मैं बहरीन में रह रहा हूँ और मुझे भी ये फिलहाल इस लास्ट ईयर ही पता चला है, और बाकी के 6 साल मुझे इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी एक प्रोसीजर है। यहाँ पर जो भी लोग घर पे पैसे भेजते हैं ना, वो एक पोर्टल है जो मनी एक्सचेंज है, NEC, BFC, लुलू एक्सचेंज, एक पोर्टल है, एक शॉप है, वहां पर आपको जाना है, आपका एक अकाउंट खोलना है। अकाउंट भी बहुत इजी खुल जाता है, इंडिया में नहीं है कि एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको धक्के खाने पड़े, एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को अपना ऑफिशियली एक आइडेंटिटी कार्ड बना के देता है। यहाँ पर बहरीन में उसे CPR कहते हैं और कुवैत और सऊदी में उसे इकामा कहते हैं। उसी तरह हर एक कंट्री का एक एम्प्लॉय का एक सिविल आईडी होता है, उसी आईडी को आप अपने डॉक्यूमेंट की तरह कैरी कर सकते हो। आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप वर्क परमिट या फिर आप फैमिली वीजा पे या फिर डिपेंड वीजा पे यहाँ पर आए हो। तो उस आईडी को जाके आप उस शॉप पे जाना है, विथिन 3 से 5 मिनट में वो अपना अकाउंट खोल के दे देगा, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। और उस पोर्टल से आप अपने पैसे, आपका बेसिक सैलरी अपने घर भेज सकते हो एनी टाइम। उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितनी बार आप चाहे कितनी बार कभी भी भेज सकते हो। शॉप का टाइम रहता है मोस्टली 9 से लेकर 8 बजे तक, जो ऑफिशियल जो टाइम रहता है, और वर्कर लोग 5 बजे के बाद ही आते, तो 5 से वो लोग 12 घंटे का एक शिफ्ट रखते हैं, 9 से 9। तो उसके टाइमिंग में आप अपना पैसा भेज सकते हो। वहां जाना है, जिसे भेजना है उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वो आपको वहीं वेरीफाई करेगा। आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं पे करना, नहीं भरना है। और इसका चार्ज इंडियन करेंसी में हर एक शॉप का अलग अलग चार्ज है, मिनिमम 200 है और मैक्सिमम 300 है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का आपको पैसे पे करने हैं। ये एक पोर्टल है, उसके थ्रू करना है, और एक डिजिटल पोर्टल है, उसके बारे में बताऊंगा। ये जो नॉर्मल पोर्टल है, यहाँ पर आपको कई लोग जो है 200 रुपये लेते, कोई 300 रुपये, मैं INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इसका लिमिटेशन है कितना आप पैसे भेज सकते हो। अगर लेबर कैटेगरी में हो, लाइक वर्कर वगैरह हो, तो उसका सैलरी कितना रहेगा, 20 से 30 हज़ार, तो वो पर उतना ही भेज सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे है, जिसके उसका पास कोई सोर्स नहीं है, तो वो सामने वाला बंदा आपको सवाल कर सकता है, क्योंकि आपके सिविल आईडी में ऑलरेडी है कि आप इस कैटेगरी में हो, तो आपका बेसिक सैलरी जो है वो इतना होगा। अगर आप 20,000 कमा रहे हो और आप 2 लाख रुपए भेज रहे हो, तो पैसा आया किधर से? वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, आप सवाल जो आप पूछेगा, भेज सकता है। कुछ कुछ केसेस में कुछ मेडिकल रहता है, लोन वगैरह रहता है, उधार ले लेते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन वो एक नोटिफाई की तरह वो आपको नोटिस करेगा कि ये बंदा 20,000 रुपये कमाता है, ये 2 लाख रुपये महीने महीने क्यों भेज रहे हैं। इस पर आगे फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन वो अपना जॉब कर रहा है और उसको भी ऐसे पैसे भेजने पे उसको ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो उसका पोर्टल फायदे में ही है। लेकिन एक सवाल होता है ना कि 20,000 आप कमा रहे हो, तो इतना पैसा कहाँ से भेज रहे हो? अगर एक सुपरवाइजर है, स्टाफ है, तो उसका सैलरी अगर 50 से 60 हज़ार है, वो भेज सकता है, 1 लाख 2 लाख, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि आप इतना इतना भेज सकते हो। जब पैसा भेजोगे तो क्या रीजन है, क्यों भेज रहे हो, फैमिली मेंटेनेंस, मेडिकल प्रॉब्लम, फ्रेंड हेल्प, वो पूछेगा, उसको वहां पर रिकॉर्ड करना है
किस बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से किस सोर्स की वजह से आ रहा है, इसके लिए उसे वो वेरीफाई करके ही आपको बोलेगा कि भाई आपका ये रीज़न है, ये है, हम भेज रहे हैं, आप फॉर्म देख लीजिए, साइन कीजिए, कंफर्म हो गया, 2 से 4 घंटे में आपका मनी ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आपको 200 से 300 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब आप अगर एक साल में आप 12 से 15 टाइम अगर आप पैसे भेज रहे हो तो आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये पर आदमी को लगेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 4 से 5 हज़ार रुपये हर एक साल में एक आदमी सिर्फ इस पोर्टल के जरिए पे भेज रहा है। पिछले 5 साल 6 साल मैंने भेजा था तो मेरा 30 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ मनी घर पे भेजने के लिए मेरा कॉस्ट हो गया था, इतना खर्चा। अगर आप सोच लो कि 4 लाख लोग इंटू मल्टीप्लाई बाई 5,000 पर मंथ या फिर पर ईयर, 4 लाख एम्प्लॉयज है जो अपने पैसे घर पे भेजते हैं, कम से कम 5,000 से ज़्यादा ही भेजते होंगे, तो कैलकुलेशन कर लो कितना बड़ा एक फिगर अमाउंट हो जाता है कि इतना आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि गल्फ कंट्रीज में और अलग अलग कंट्रीज में जहाँ से वहाँ के एम्प्लॉय जो फंड अपने नेशन में भेज रहे हैं वो सर्विस चार्ज को हटा दिया जाए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को अटैच करके भेज दिया जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर, ईजी और सिंपल। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत लोगों ने ये नहीं किया होगा या बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आप फ्री में भी पैसा और ज़्यादा करेंसी रेट के हिसाब से भेज सकते हो। एग्जाम्पल, 1 दिनार का यहाँ पर 200 है, लेकिन आपको उस पोर्टल में 1 दिनार का आपको 2 रुपीज़ आपको ज़्यादा करके भी मिलेगा। अगर आप सपोज आप 20,000 भेज रहे हो तो आप 22,000 भी भेज सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस है और टाइमिंग 5 से 10 मिनट के अंदर पैसा ऑन द टाइम अकाउंट में आ जाएगा। ICICI बहरेन, मैं बहरेन में हूँ, कुवैत, सऊदी और UAE कंट्री में भी इसके ब्रांचेस है, वहाँ पर जाके आपको अकाउंट खोलना है। उसके लिए आपको सिविल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट चाहिए और मिनिमम 4,000 रुपये ओपनिंग के लिए चाहिए, और 4,000 रुपये बाद में चाहे तो अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है कि आपको एक शो करने के लिए मंथ ऑफ एंड में वो भी 4,000 रुपये अकाउंट में होना चाहिए, तो फिर आपको जैसे इंडिया में कैसे मिनिमम बैलेंस के बाद पैसा कटता, तो वैसे भी यहाँ पर एक 200 रुपीज़ वही है मिनिमम चार्ज या मैक्सिमम चार्ज, उससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो वो होना चाहिए। आपने 4,000 रुपये डाल दिया, अपने अकाउंट खोल दिया, फिर आपको क्या करना है, इंडिया में सेम ICICI का NRO का अकाउंट खोलना है। जो भी NRI है वो सबसे पहले मेन चीज़ करे कि आप पैसा ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर आप कर रहे हो तो इंडिया में भी एक NRO एक NRI अकाउंट आपको ओपन करना ही है। वो आपके और आगे के बेनिफिट्स, और मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊंगा जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपने वो कर दिया, आपने पहले ICICI बहरेन में अपना मनी ट्रांसफ़र जो भी आपका सैलरी है उसे आपको या फिर ATM में डिपॉजिट कर दिया, या फिर आप बैंक में भी जाकर डिपॉजिट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है बेनिफिट पे, एक सेकंड में पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने सारा पैसा जो भी अपना सैलरी हो ICICI बहरेन में डाल दिया, आपको नेट बैंकिंग करना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको बैंक वाला ही दे देगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको वहीं पर ट्रांसफ़र रेट मिल जाएगा और फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी चार्ज के आप अपना सारा पैसा अपने इंडियन ICICI के अकाउंट में भेज सकते हो, और उसके जरिए आपको जिसको भी पैसा भेजना है उसका अकाउंट उसमें ऐड कर दो और पैसा भेज दो। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा अप डाउन है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत कम होता है। उस नॉर्मल पोर्टल में क्या होता है कि आपको एक स्लिप मिल जाता है कि आप करते हो, हाँ मैंने पैसा भेज दिया, बार बार उसको इंक्वायरी कर सकते हो, उसी तरह इसमें भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। अब पिछले 1 साल में मेरा एक ही बार ऐसा हुआ है कि मेरा पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद कहीं पर अटक गया, लेकिन वो नेट की वजह से हुआ था, बैंक से ऑलरेडी अगर कुछ सर्वर डाउन है तो वो नोटिफिकेशन दे देते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप बैंक में कॉल कीजिए तो वो शॉर्ट आउट हो जाता है। अगर आपका पैसा इंडिया में नहीं गया तो वही अकाउंट में वापस भी आ जाएगा, वो 100% श्योरिटी है। मुझे भी लगा कि मैं मोस्टली जो पैसे 5-10 मिनट में भेज रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ जबकि मेरे अकाउंट से कट गया। फिर बाद में मैंने बैंक से कहा कि उस टाइम वो सर्वर डाउन था, आपका नेट बंद था, फिर वो ओके होने के बाद उसके 1 घंटा 15 मिनट के बाद वो पैसा मेरे अकाउंट में चला गया, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस मेथड से भी चाहो तो अपना पैसा भेज सकते हो, क्योंकि अगर आप हर एक दिनार में, अगर आप हर महीने में अगर ऐसा ट्रांसफ़र करके अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये बचा रहे हो तो साल का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो आपके बच ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इंडिया में NRI अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पर मिनिमम जो रहता है ना बैलेंस 10,000 होना ज़रूरी है, तो वो एक ध्यान रखिए, क्योंकि जिसका 30,000 सैलरी है वो ये मेथड यूज़ नहीं कर सकता, उसको नॉर्मल पोर्टल से ही पैसा भेजना है और वहीं से ही वो भेज सकता है।
भले उसका 1 साल का 5,000 रुपये उसका लॉस्ट में जा रहा हूँ, लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा क्योंकि भाई मेरा पैसा घर जा रहा है। अगर मैं 10,000 रुपये के चक्कर में अगर उसका सर्विस चार्ज महीने के 500 रुपये कट जाएगा तो वो उसको एक लॉस्ट है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस अगर वो कीप नहीं रखेगा तो फिर साल का 500 × 12 6,000 रुपये उसका फिर ये सर्विस चार्ज चला जाएगा बैंक का। तो अगर आप जो नॉर्मल लेबर वगैरह है तो आप इस मेथड को ना यूज़ करें। अगर आपके पास फंड है, फंड एक्सेप्ट रखते हो और आपके सेविंग्स है तो आप ये मेथड को यूज़ करोगे तो आपका पैसा पूरा सेफ है और आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो तो शायद उस पोर्टल से आपको 21,000 रुपये ज़्यादा मिल सकता है, 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो करेंसी में रेट में डिफरेंस है 2 से 3 रुपये पर दिनार में। अगर आप 1,000 रुपये में अगर आपको 2 रुपये तो आपको 2,000 रुपीज़ आपका बच जाएगा। तो ये एक मेथड है, अभी मैं फिलहाल इसी मेथड से मैं अपने ट्रांजेक्शन वगैरह करता हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि आप और भी यहाँ पर आने के बाद क्या क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप अपने लाइफ को यहाँ पर सिक्योर और सेफली और कम खर्चे में भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।